जस्टिस धर्मचंद चौधरी के तबादले के विरोध में पंचकुला में आज चंडीगढ़ एएफटी बार एसोसिएशन ने न्याय के लिए आज काले दिवस के रूप में मनाया। पंचकुला स्थित चंडीगढ़ एएफटी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर जस्टिस धर्मचंद चौधरी के स्थानांतरण के एएफटी अध्यक्ष के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने आज पंचकुला में काम सस्पेंड किया। एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष आरएस पंघाल ने आज जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक जस्टिस धर्मचंद चौधरी वापस चंडीगढ़ एएफटी में नहीं नियुक्त कर दिए जाते। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन एएफटी बार एसोसिएशन ने न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी को पंचकुला स्थित चंडीगढ़ एएफटी से कोलकाता पीठ में स्थानांतरित करने के विरोध में अनिश्चितकाल तक काम से अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। एएफटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस पंघाल ने बताया कि यह स्थानांतरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एएफटी बार एसोसिएशन अगले आदेश तक काम से दूर रहेगा। इस बाबत सीजीआई को कड़े शब्दों में भेजे गए पत्र में एएफटी बार ने आरोप लगाया कि जस्टिस चौधरी का स्थानांतरण रक्षा मंत्रालय मोड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा पारित सख्त आदेशों का परिणाम था। जी सर, जो आज प्रदर्शन किया गया इसके बारे में बता दीजिए। हाँ जी, जो आज प्रदर्शन किया गया इसके बारे में बता दीजिए, जो ब्लैक डे मनाया जाता है। जी हाँ, ये कॉज ऑफ एक्शन हमारा 25 तारीख से शुरू हुआ है। बेसिकली जिस दिन यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जस्टिस धर्मचंद चौधरी, जो कि जुडिशियल मेंबर है, हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट है, उनका इमीडिएट इफेक्ट रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब उनको कम से 12 घंटे से भी कम का समय दिया गया, बोला गया कि ही शुड रिलिंक्विश हिज ऑफिस बाय 25th को आफ्टरनून में 3:30-4 बजे ये मैसेज आता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, अब वो इम्पोर्टेंट है। जस्टिस चौधरी ने यहाँ पे जो ऑर्डर्स पास होते हैं एफटीज में, वो मिलिट्री पर्सनल के होते हैं, विडोज हैं उसमें, डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं और वार विडोज और इस तरह के जो ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनके केसेस के जो यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पे रिजोल्व होते हैं। और कोर्ट डिसाइड करने के बावजूद 10-10 साल हो गए हैं लोगों को, 6-6 साल हो गए, किसी को 5 हो गए हैं। तो कम से कम भी 2000 डिसाइडेड केसेस जिनके खिलाफ कोई अपील नहीं है, कोई फर्दर ऊपर कोर्ट में वो लोग नहीं गए हैं। डिस्पाइट दैट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इतना सारा टाइम हो गया। तो जस्टिस चौधरी ने उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया कि भाई कितने दिन वेट करवाओगे, अदरवाइज व्हाट इज द फन ऑफ गोइंग टू द कोर्ट्स, लोग कोर्ट में क्यों जाएंगे, अगर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होना तो फिर क्या यूज उसका। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि विद इन 6 मंथ्स कोई भी ऑर्डर है, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो उसी के पर्सुएंस में जस्टिस चौधरी ने कंसर्न्ड ऑफिसर जो कि डिफॉल्टिंग थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इन डिलेज के लिए, व्हाट इज द रीजन, उनको बोला गया कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, आप अपना रिप्लाई दीजिए। डिस्पाइट दैट वो अपना कोई जवाब नहीं दे रहे, दे हैव नो आंसर टू इट। सो और पेश भी नहीं हो रहे, आके बोलते तारीख पे तारीख दे दो, अगली तारीख दे दो, कितनी तारीख दी जाएंगी। सो उन्होंने क्या किया कि उनको ना कंसर्न्ड ऑफिशियल को, हायर ऑफिसर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनको कोर्ट में बुलाया गया, वो नहीं आए, उसके बावजूद उनके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू किए गए। सो बेलेबल वारंट इशू किए गए तो वो लोग हाई कोर्ट में चले गए उस ऑर्डर के खिलाफ, उन्होंने कहा कि ये इलीगल ऑर्डर है और एएफटी हमारे को हरास करना चाहती है। हाई कोर्ट ने कहा भाई व्हाट इज द हरासमेंट, उसमें व्हाट इज द न्यू, जब कोर्ट ऑर्डर है आपने कोई चैलेंज नहीं किया, कोई अपील नहीं की, कोई पेंडिंग कुछ नहीं है उसका, तो आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। हाई कोर्ट ने इनको कहा गो बैक इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स, फाइल द कंप्लायंस रिपोर्ट। उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा, दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स व्हिच आर पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर सिंस लॉन्ग, 10-10 साल, जैसे मैंने बताया इतना टाइम हो गया है, किसी को 4 किसी को 6 ऐसे ऑर्डर, 2000 से ज्यादा, ये लार्जेस्ट बेंच है जहां पे सबसे ज्यादा लिटिगेशन है और डिस्पोजल भी सबसे ज्यादा है यहाँ पर।
सो देयर आफ्टर क्या हुआ, उन्होंने इसका एक इलीगल तरीका निकाला, उन्होंने ऑफिसर्स ने अनडू प्रेशर क्रिएट किया प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन पे, जिनकी एक्सटेंशन ड्यू है नवंबर 2023 में, अभी आफ्टर ए मंथ और सो, नवंबर, कमिंग नवंबर। सो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, उसने क्या किया कि जस्टिस चौधरी का ही ट्रांसफर कर दिया यहां से, न रहेगा बांस तो न बचेगी बांसुरी, कोई ऐसा तो रहेगा नहीं। और दूसरा, दूसरे जो जजेस हैं, दूसरे लोगों के लिए वो एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ ऐसे ऑर्डर पास किए तो आपका भी यही असर होगा, वी विल ट्रांसफर यू। सो दिस वॉज मोर थ्रेटनिंग, दूसरे जजेस के ऊपर भी इसका असर पड़ता है कि उसने ऐसा किया था, ऑर्डर, स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए थे, उसका ट्रांसफर कर दिया, तो उनको भी डर रहेगा। आप डेमोक्रेसी के अंदर जहां पे जुडिशियरी कैप्चर्ड है वहां पे क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? सो दिस इज वी हैव कंसिडर्ड, रेदर इट इज अपेरेंट दिस इज अ डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट असोल्ट ऑन द जुडिशियरी, देयर फॉर वी हैव कन्वीन्ड अ जनरल हाउस मीटिंग एंड वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इंडेफिनिट स्ट्राइक इन दिस रिगार्ड टिल दिस इश्यू इज रिजोल्व, दिस ट्रांसफर इज कैंसल्ड, till these orders are implemented, that is the issue. तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे दबाव बनाया जा रहा है, जुडिशरी एक जिस लोगों को जिसपे भरोसा था एक ही बची हुई है, अगर उसमें भी ये हाल होगा तो क्या चलेगा? वेरी राइट, जुडिशरी जो कि अपना एक इंडिपेंडेंट पिलर है, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होता, अपना मतलब एक न्याय की प्रक्रिया जिसको कहते हैं, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसका और दूसरी भी थोड़ी वजह है कि जो ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्ट कंट्रोल में है इनफैक्ट, और जो फंड्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो इनकी सैलरीज एंड ऑल अदर थिंग्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही रिलीज करती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फंड्स रिलीज टाइम पे नहीं करते, एम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो जाती, स्टेनोटाइपिस्ट नहीं रहेंगे तो जज किसको क्या लिखवाएंगे, वो स्टाफ की भी कमी की गई है यहाँ पे। अभी सम 2-3 मंथ्स बैक हमने इस मैटर को पहले भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था, उसके बाद कुछ बंदों को यहाँ पे पोस्ट इन किया गया, लगाया गया उनका, और उसके बाद यहाँ पे स्मूथ काम चला, अदरवाइज तो दे आर ट्राइंग टू पैरालाइज द सिस्टम ताकि ऑर्डर ही पास ना हो और जो ऑर्डर पास हो रखे हैं उनको कोई इम्प्लीमेंट ना करे। सो दिस इज द सोल इंटेंट। आपने बताया 2000 के करीब केसेस थे जिनमें फैसला आ चुका था, उसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, काफी बड़ी संख्या है। यस, काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है, और ये भी किसकी संख्या, आप ये देखिए ना, जिन्होंने मतलब देश के प्रति अपनी सेवा देते हुए, कोई इंजोर हो गया, किसी का हाथ पैर कट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी लेडी ने अपना हस्बैंड खो दिया, वो पेंशन, जिसके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है, इस तरह की जो केसेस हैं सारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं जस्टिस चौधरी वापस आए। डेफिनेटली जस्टिस चौधरी मस्ट कम, ये जो उनका जो ये डिसीजन है दिस इज टोटली अनएथिकल। ट्रांसफर करने का मीनिंग क्या हुआ इसका, उन्होंने क्या गलत किया? मैं भीमसेन सहगल, चेयरमैन अखिल भारतीय भूतपूर्व क्रांतिकारी संगठन का अध्यक्ष हूं। जब से ये बीजेपी 14 से बनी है, भूतपूर्व सैनिकों को ये नीचे ले गई है, जितनी भी सुविधाएं भूतपूर्व सैनिकों को पहले मिलती थी इन्होंने बहुत कम कर दी। कई जगह तो इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का बिल्कुल सफाया कर दिया, इसलिए एक ना पेंशन में कोई बढ़ोतरी की, ना कोई डीएनएस लिस्ट में बढ़ोतरी की, और जो समान कंटीन से भूतपूर्व सैनिकों को टैक्स के बगैर मिलता था इन्होंने टैक्स लगा दिया, टोटल टैक्स लगा दिया, लेकिन बाद में उसको हाफ कर दिया। इसी तरह ECHS जो जहां पर दवाइयां मिलती हैं, दवाइयां बहुत कम मिलती हैं। तीसरा, इन्होंने जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जो भूतपूर्व सैनिक केस जीत जाते थे, उन भूतपूर्व सैनिकों के बीच में विधवाएं भी थी, डिसेबल्ड सोल्जर भी थे, अपंग सैनिक भी थे, 100% डिसेबल्ड सोल्जर थे, उनको भी जो पेंशन जीत गए उसमें देने के लिए 6-6 साल की देरी कर दी और ब्याज नहीं दिया। अभी 2014 से हमारे पास एक्सीक्यूशन एप्लीकेशन पेंडिंग है
कि जिनका कोई फैसला नहीं किया, लोगों को पैसे नहीं दिए गए, इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया। तो अभी जो एक हमारे यहाँ पर अच्छे जज आए थे, जिन्होंने ये एक्शन लिया हमारे कहने पर, एप्लीकेशन देने पर, कोई 723 एप्लीकेशन दी थी कि इन लोगों को पैसे नहीं मिले 2012-13 से इनको पैसे नहीं मिले। लेकिन जब इन्होंने ऊपर के डिफेंस मिनिस्ट्री को या उनको बड़े बड़े अफसरों को बुलाया कि इनको पेमेंट क्यों नहीं दी, तो ये हमारा यहाँ से केस जो है वो चेयरमैन ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और इसलिए अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जज साहब की यहाँ से बदली की है, ट्रांसफर किया है कलकत्ते में, उनको इमीडिएटली वापस लाया जाए, और भूतपूर्व सैनिकों को बनते जो इनके हक हैं उनसे इनको वंचित ना किया जाए, इनको सारे हक दिए जाएं, क्योंकि ये देश की सेवा करते हैं। इनके बीच में वो विधवाएं भी हैं जिनके हस्बैंड मर गए, वो बहनें भी हैं जिनके भाई मर गए, वो माताएं भी हैं जिनके बच्चे मर गए। जय हिंद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।